हेलो दोस्तों, योर लाइफ इम्प्रूवमेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि हाइट इंक्रीज़ होने की एक एज होती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी हाइट 1 से 2 इंच तक इंक्रीज़ कर जाएगी। वो टिप्स मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कीजिए, आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। इसीलिए मैंने लगातार एक नई टिप्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए और आपकी हाइट इंक्रीज़ हो। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि आप किसी भी एज के हों तो आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है, वो भी कैसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एंजल नंबर से। लेकिन एंजल नंबर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ रहना, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी फिट रहती है तभी वो वर्क करेगा। अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अगर आपका मस्तिष्क सही से काम करेगा, सही से वर्क करेगा, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एंजल नंबर वर्क करेगा। जब एंजल नंबर वर्क करेगा तो आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने ये बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप अमीर बन जाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ नियम है जो आप पे लागू होंगे, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको दुनिया की हर एक चीज़ मिलेगी। चाहे आपको अगर मोटापा कम करना है, या आपको बॉडी बनाना है, या आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आज मैं एक, जैसे कि कल मैंने बनाया था अनुलोम विलोम, यानी इस तरह के मैंने बताया था आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को देखिए और इसको फॉलो कीजिएगा। वो क्या है, कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या है कि हम एक बार गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे और उसके बाद सारी सांस को बाहर निकाल देंगे, सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे और नाभि मूल आपका जाके रीढ़ की हड्डी में जाके उसकी जो वाल है चिपक जाए और मूल बंद होगा, समझ रहे हैं आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन भरना पड़ेगा और उसके बाद नाभि से लगा देना और फिर उसके बाद ऑक्सीजन फिर से भरना है। और जैसे ही ऑक्सीजन आपको फिर नाभि मूल से लगाना, छोड़ने के बाद आपको तेजी तेजी उसको बार बार लगाना, नाभि मूल को अंदर रीढ़ से लगाना फिर छोड़ना है। ऐसा आप जब तक आपकी सांस लेने की क्षमता है तब तक आप करते रहिए। फिर आप थक जाए तो थोड़ा सा विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, फिर कीजिए उसको, देखिए। और शरीर का कोई भी पार्ट्स नहीं हिलेगा, जैसे बहुत लोगों के शोल्डर हिल जाते हैं, बहुत लोगों के पीछे बिल्कुल सीधा बैठ जाना है और ज्ञान ये आपके हथेलियाँ आपके ये घुटने पर, आपको आसन में पद्म आसन में बैठना है या आराम से जैसा आप कंफर्टेबल कहते हैं उस तरह से बैठ जाइए। पलथी मार के, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, पलथी मार के बैठ जाइए और अपने घुटनों पर इस तरह हथेली रखिए, अपने घुटनों पर हथेली रख के और इसको तेजी तेजी करना ये। इस तरह आपको कम से कम 5 मिनट करना है अगर आप नए हैं। उसके बाद इसको कम से कम 15 मिनट तक ज़रूर करना है डेली। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए भी करना है। अगर आप 1 महीने के लिए करते हैं तो आपको देखिएगा, आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। आपके अगर शरीर में किसी तरह की भी कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी, और जब आपकी बीमारी दूर हो जाएगी तो आपकी हाइट ज़रूर इंक्रीज़ होगी। जैसे कि फ्यूज़ हो जाता है, एक हड्डी होती है, मैंने कई वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। जब वो ग्रोथ वाली हड्डी फ्यूज़ हो जाती है तो उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं करती है। उसका भी एक कारण है कि सही तरह से बॉडी में ब्लड का संचालन नहीं होता है, यानी पूरे शरीर में ब्लड रक्त नहीं पहुँचता है, खून नहीं पहुँचता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, करेंगे तो आपके अंदर सही शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन वो आपके शरीर में, बॉडी में जाएगी और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, आपकी 1 से 2 इंच तक हाइट इंक्रीज़ कर जाएगी। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें, आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए, आपकी गर्दन भी बिल्कुल सीधी रहना चाहिए
और आंखें कोमलता से बंद रहनी चाहिए, इस तरह से बिल्कुल सीधे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हाइट जरूर इंक्रीज होगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।